गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पीवीटी के विभिन्न बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो में उदाहरण के माध्यम से पीवीटी के बारे में पढ़ा। आज हम उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला बिंदु क्या होता है कि जो सर्वप्रथम जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु आयन जो होता है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ठीक है, धनायन बनाता है। दूसरा क्या है, उसके पश्चात तत्पश्चात केंद्रीय धातुएं यहां पे केंद्रीय धातु केंद्रीय धातु आयन केंद्रीय धातु आयन लीगेंडों के साथ बंध बनाने के लिए बंध बनाने के लिए उपयुक्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। जो इसकी समन्वय संख्या के रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है जो समन्वय संख्या पर निर्भर करता है, जो समन्वय संख्या पर निर्भर करता है जिससे संक्रमण का पता चलता है, समन्वय संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, ये रिक्त कक्षक संकर के द्वारा संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनमें लीगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उप सह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, जिससे निश्चित ज्यामिति प्रदान होती है, जिससे यौगिक को निश्चित ज्यामिति मिलती है, प्रदान होती है, मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या देखा, ये तो हो गया ही।
उसके बाद में आपने देखा था कि डी कक्षकों के भाग लेने के आधार पर उच्च चक्कर और निम्न चक्कर हम बता रहे थे। तो जब उसके बाद में क्या देखा कि जब संकुली होगी में आंतरिक एन माइनस वन इंटू डी कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक जब संकुल यौगिक में आंतरिक कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। निम्न चक्रण संकुल कहते हैं और यदि बाह्य डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो बाह्य चक्रण संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए आने का क्रम हमने देखा, यदि प्रबल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और यदि दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। उसके बाद में आपने देखा कि यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उपस्थित है तो वह रंगीन एवं अनुचुंबकीय होता है और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो यौगिक रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होता है। दूसरा, यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण
निम्न सूत्र से याद करते हैं। म्यू बराबर रूट एन एन प्लस टू, जहां एन बराबर एल यूनिट इलेक्ट्रॉन। संख्या ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है एन बराबर, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं से आधार पर हम क्या करते हैं, पीडीटी का निर्धारण करते हैं उपसर्जक यौगिकों में। और जो हमने पहला उदाहरण आपको बताया था वो सारे नियम इसमें फॉलो होते हैं, ठीक है। इन पर हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं पर हम क्या करते हैं, पीडीटी का पता लगाते हैं। अब एक उदाहरण को देखते हैं जिस आधार पर आपको क्लियर समझ में आएगा, एक दो उदाहरण करते हैं जिससे हमें क्लियर समझ में आएगा कि पीडीटी के आधार पर हमें पता करना क्या होता है, कैसे पता किया जाता है। तो जहां टिपिकल नहीं है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो उदाहरण आपका है, उदाहरण मैं आपका दे रहा हूं, NaCl4 और 2-, ठीक है। तो सबसे पहले Ni का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, निकिल का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण का आपको निकालना आता है, पहले भी आपने निकाला है, जिसका निकालना उसको एक समान लेंगे, -1 Cl पर -1 चार्ज होता है, चार परमाणु और बराबर -2। तो एक्स माइनस चार बराबर का -2 और एक्स बराबर चार को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का चार हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस का 2। मतलब क्या हो गया कि Fe का जो Ni का है ऑक्सीकरण अंक है -2। इस आधार पर हमें इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, सामान्यतः निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य तौर पर देखें तो क्या होता है, एस में चार दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में इसके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 28 नंबर का होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है निकिल का, 28, परमाणु क्रमांक 28 होता है, इसीलिए यह होगा इसका, ठीक है। अब ये अपने ऑक्सीकरण के आधार पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एन प्लस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा भाई, जो ये एस एस की जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3d8 4s2 भाई, तब तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो यहां से क्या बच जाएगा आपका 3d8 और 4s0, यहां पर लिखता हूं 3d8 और 4s0, ठीक है। अब आपको पता है डी के पास 5 चेम्बर होते हैं, एस के पास 1 चेम्बर होता है, पी के पास 3 चेम्बर होते हैं, ऐसे आगे दिया जाएगा 1, 2, 3 और 5, ये 4d, ये 4p, ये 4s और ये 3d, 3d के पास 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरह अब आप देख रहे हैं कि जो आपका आने वाला लिगेंड कैसा है, Cl जो होता है वो दुर्बल प्रकृति होती है, तो Cl दुर्बल लिगेंड है, अतः क्या नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा, ये लो जी 1, 2, 3, 4, ये S का, ये P का और ये किसका भाई, D का, 4D 4P 4S 3D, युग्मन होगा नहीं, जैसे है वैसे के वैसे रह जाएगा, ये लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समन्वय संख्या के आधार पर रिक्त कक्षक उपलब्ध करानी है निकिल को, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर भी क्या रहेगा Cl, मतलब क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 1, 2 और ये आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3p 3d 4s 4d, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन नोट किए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसने Cl, ये संकरण हो गया आपका sp3, क्या हो गया संकरण sp3। अब यदि हम संरचना देखेंगे तो संरचना देखो किस टाइप की आई, इसकी संरचना देखो
संरचना होती है इसकी, चतुष्फलक ये संरचना क्या होगी, चतुष्फलक। क्योंकि जब भी संरचना चार होती है तो दो तरह के यौगिक बनते हैं, एक जिनका sp3 संकरण आता है और एक आता है sdsp2 संकरण। जब भी संकरण sp3 आएगा तो संरचना आएगी चतुष्फलक, ये याद रखने की बात है। और जब भी आएगा तो संरचना बनेगी वर्गाकार, ये बात रखनी है कि जब भी sp3 संकरण आएगा तो संरचना चतुष्फलक और वर्गाकार, ठीक है। तो चतुष्फलक संरचना कैसी होगी, CL, 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 ठीक है, और इसके ऊपर 2-। अब देखो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, रंग कैसा हो जाएगा इसका, रंगीन, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और मु क्या हो जाएगा, √n(n+2) इलेक्ट्रॉन कितने से है, 2, तो 2 + 2 4, क्या हो जाएगा √8, ठीक। ये इस तरह हम क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। तो इस तरह हम इसका पता लगाते हैं, या ये कहें इसमें VBT का पता लगाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।